बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। मसीह प्यारे भराओ ते भैनो अते बच्चो सारिआं नूं जय यीशु मसीह दी। मसीह प्यारे जिवें कि सानूं सारिआं नूं पता है कि अज पाक मां कैथलिक कलीसिया राख बुधवार दे नाल रोजियां दे समें दी शुरुआत कर रही है अते अज दिन साडे सारिआं दे मत्थे ते सवा मली जांदी है, राख मली जांदी है जो सानूं याद दिवाउंदी है अते फादर जी साडे मत्थे ते राख नूं इह कहिंदे मलदे हन कि यह इंसान तो मिट्टी है अते मिट्टी विच ही मिल जाएगा, जो कि सानू याद दवाउंदी है कि सानू खुदा ने मिट्टी तो रचा है अते एक दिन असी इसे विच ही वापस परत जाना है। मसीह प्यारे अज जदों असी रोजां दे समय शुरुआत कर रहे हैं साडे लई समां है कि असी रोजां दे समय दौरान प्रभु यीशु मसीह दे दुखां तसीहां नूं याद करिए, उन्हां दी तकलीफां नूं याद करिए जो प्रभु ने साडे खातर सहीआं। प्रभु ने दुखां नूं सहिआ, तकलीफां नूं सहिआ क्योंकि वह चाहते सन कि असी सारे निजात हासिल करिए, असी सारे मुक्ति हासिल करिए अते उन्हां दे नाम ते ईमान रखते हुए खुदा दे राज दाखिल हो सकीए। इन्हां दिनां दौरान खास तौर पर पाकमा कलीसिया सानू तीन कम्मां ते ध्यान देने लई कहिंदी है, पहला रोजा, दूसरा प्रार्थना अते तीसरा पुनदान। ये काम करते हुए असी खुदा कोलों बहुत सारिया बरकतां पा सकते हाँ। अज दे पहले पाठ विच असीं वेखदे हाँ कि जोएल नबी दा ग्रंथ सानूं दसदा है कि वचन सानूं प्रभु कहिंदे हन कि तुसीं मेरे वल मुड़ो, पूरे दिल नाल मुड़ो, अपने कपड़े नूं पाड़दे होए नहीं सगों अपने दिल नूं पाड़दे होए, क्योंकि प्रभु चाहुंदे हन कि असीं अपने दिल नूं बदलीए, अपने दिल नूं प्रभु वल लै के जाइए, असीं दूसरिआं नूं विखाउण लई नहीं सगों अपने दिल तों पछतावा करिए, क्योंकि जदों असीं पछतावा करदे हाँ तां खुदा साडे ते अपनी दया करदा है। इस तरह वचन सानूं कहिंदा है कि तुहाडा खुदा तुहानूं उडीक रिहा है क्योंकि खुदा दयालु है, खुदा कृपालु है। आदि अंजील असीं सुनते हाँ कि प्रभु कहिंदे हन कि जेकर तुसीं पुन भगती करदे हो तां दूसरिआं दे विखावे ना करो क्योंकि अजिहा पखंडी करदे हन अते उन्हां ने अपना इनाम लोकां तों पा लिया है, पर तुसीं इह कुछ जो करदे हो गुप्त विच करो, जो तुहाडा आसमानी बाप गुप्त विच है तुहानूं गुप्त विच ही इनाम देवेगा। अते इस तरह प्रभु कहिंदे हन कि जदों तुसीं पुनदान करदे हो तां तुसीं दूसरिआं नूं विखावे लई ना करो, तुहाडा खब्बा हथ ना जाने कि तुहाडा सज्जा हथ की कर रहा है, बल्कि तुसीं उह दान जो है गुप्त विच करो अते तुहाडा आसमानी बाप जो गुप्त विच वेख रहा है तुहानूं इनाम देवेगा। इस तरह प्रभु कहिंदे हन कि जदों तुसीं प्रार्थना करदे हो तुसीं पखंडियां वांगू ना करो, क्योंकि जो पखंडी हैं वो दूसरिआं नूं विखाउण लई चौंकां विच प्रार्थना करदे हन, पर तुसीं अपने कमरे विच जाके दरवाजे नूं बंद करो अते खुदा दे अगे प्रार्थना करो अते जो आसमानी बाप तुहाडा गुप्त विच तुहानूं देख रहा है तुहानूं इनाम बख्शेगा। सो मसीह प्यारो असीं इन्हां वचनां ते ध्यान करिए क्योंकि प्रभु सानूं इन्हां दे राहीं दसदे हन कि असीं दूसरिआं नूं विखावे लई नहीं करना है सगों असीं इन्हां दिनां दौरान अपने आप नूं प्रभु दे नेड़े लै के जाना है अते दूसरिआं नूं दिखाउण दे लई नहीं करना है, बल्कि असीं प्रभु नूं विखाउणा है जो साडा गुप्त विच है। अते इन्हां समयां दौरान खास तौर ते असीं अपने आप नूं खुदा दे हत्थां विच सौंपीए, प्रार्थना करिए, रोजा रखिए, पुनदान रखिए, क्योंकि रोजे राहीं असीं प्रभु दे दुखां नूं महसूस कर सकदे हाँ, प्रभु दे दुखां नूं अनुभव करदे हाँ। अते जदों असीं रोजा रखते असीं दूसरिआं नूं नहीं दसणा, असीं दूसरिआं नूं नहीं विखाउणा, क्योंकि प्रभु कहिंदे हन कि तुसीं अपने मूँह नूं उदास ना बनाओ सगों अपने वालां नूं तेल लाओ, अपने मूँह नूं धोवो, बल्कि तुसीं खुशी नाल प्रभु दे दुखां विच भाग लैंदे हुए अपने आप नूं खुदा दे हत्थां विच सौंपना है। सौ मसीह प्यारे खुदा दे अगे प्रार्थना करिए कि जदों कलीसिया सानूं इह समां दिंदी है रोजियां दा समां कि असीं प्रभु दे उस दुख भोग नूं महसूस कर सकीए, प्रभु दे उस दुख भोग विच भाग लै सकीए, प्रार्थना द्वारा, रोजा द्वारा अते पुनदान द्वारा खुदा दे अगे प्रार्थना करिए कि खुदा साडी इस समें विच अगवाई करे तां जो असीं इस समें नूं बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग नाल बिता सकीए अते आउण वाले समें नूं भाव कि प्रभु यीशु मसीह दे मुद्दिआं विच जी उठण दी ईद नूं बड़े ही पवित्रता नाल अते श्रद्धा नाल भगती भाव नाल मनाउंदे होए खुदा दे राज दाखल होण दे योग बन जाइए। खुदा सानूं सारिआं नूं अपनी आशीष अते बरकत प्रदान करे। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उत्ते आमीन। खुदा सारिआं नूं आशीष अते बरकत प्रदान करे।